एम है बच्चों फेवरेबल इवेंट, एन है अनफेवरेबल इवेंट, और एम प्लस एन है टोटल नंबर ऑफ इवेंट। एम प्लस एन है बच्चों टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो जब हम वन ड्रॉन करते हैं ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, इसमें क्या होता है बच्चों, अब जी जैसे मैंने ये बोला था कि वन ड्रॉन है, वन इज ड्रॉन, वन ड्रॉन का मतलब था एक एक बॉल निकाली, एक पत्ता निकाला, एक बार डाइस फेंकी। तो हम लोग जैसे करते थे कि कार्ड है 52 कार्ड्स है, वन कार्ड ड्रॉन एंड इट इज एन एस, इट इज एन एस, ये एक इक्का है। तो हम लोग बोलते थे जी 4/52, क्योंकि इक्के चार हैं तो 4 इक्के इज एम और जो अदर कार्ड्स हैं वो 48 हो गए। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, m अपॉन m प्लस n, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया। फिर हमने ये पढ़ा था कि एक सेट थ्योरी का होता है ऐसे कॉन्सेप्ट कि और एडिशन थ्योरम लगाते हैं, एडिशन थ्योरम जब हम लगाते हैं बच्चों तो इस तरह से होता है कि वन कार्ड ड्रॉन, इट इज वन कार्ड ड्रॉन, इट इज एक कार्ड हमने ड्रॉ किया, इट इज एस और कार्ड ऑफ क्लब। अब देखिए इक्का है 4/52 एस, कार्ड ऑफ क्लब है 13/52, मगर इक्का इसमें भी है इसमें भी है, दो बार काउंट हो रहा है। तो हमने उसको सेट थ्योरी में जो यूनियन वाला था 1/52, एको की पांच एक इक्के नहीं है, देर आर नॉट फाइव एसेस। तो हमने क्या किया, एक एक बार उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बार घटा दिया। ये हमारा बच्चों एडिशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। और जब वो लगाएंगे, क्योंकि वो अक्सर और तब लगाएंगे, आइदर दिस और दिस और दिस, तो जब वो ऐसे करेंगे आइदर दिस और दिस और दिस, तो हमें प्लस लगाना पड़ेगा और के लिए। जहां जहां वो और लगाएंगे प्रोबेबिलिटी में, वहां वहां हमें प्लस लगाना पड़ सकता है। अब यहां पर इधर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी में जहां जहां पर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम होती है वहां हम इंटू कर देते हैं, एंड होता है, एंड अक्सर ये मोर देन वन में भी लग जाता है जब हम एक से ज्यादा बार चीजें निकालते हैं। जैसे कार्ड्स ड्रॉन टू 1/1 without replacement,
कार्ड ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट फर्स्ट इज किंग सेकेंड इज क्वीन फर्स्ट इज किंग सेकेंड इज क्वीन पहला किंग है एंड बिकॉज टू कार्ड्स है एंड लगा सकते हो एंड आप लगा सकते हो फर्स्ट इज किंग सेकेंड इज क्वीन क्योंकि नीचे 51 ये मल्टीप्लीकेशन है एंड किंग एंड क्वीन किंग एंड क्वीन फर्स्ट इज किंग सेकेंड इज क्वीन फिर बच्चों एक तो यही फॉर्मूला हमारा लगता है m अपॉन m प्लस n ये प्रोबेबिलिटी का तो ओरिजिनल फॉर्मूला ये रहने ही वाला है और फिर ये भी बताया गया था कि प्रोबेबिलिटी कैन नेवर एक्सीड वन प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती मैक्सिमम बच्चों मैं बोल रहा हूं सुनो कॉइन इज टॉस्ड आइदर इट इज हेड और टेल हेड 1/2 और प्लस टेल 1/2 इज व्हाट वन जब दो ही साइड है दोनों ही पूछ रहे हैं आप और लगा के तो क्या आएगा आंसर वन आ जाएगा जब आप दो दो ही आंसर है आप दो ही पूछ रहे हो तो क्या होगा वन आ जाएगा अब इसलिए मैंने बोला प्रोबेबिलिटी कैन नॉट एक्सीड वन फिर बच्चों प्रोबेबिलिटी में एक और प्रॉब्लम आती है यदि आप मोर देन वन ड्रॉ करते हो जरा ध्यान से समझ लेना है आपसे एक एक से ज्यादा मतलब पत्ते निकाल रहे हो एक से ज्यादा पत्ते निकाल रहे हो बॉल्स हैं एक से ज्यादा बॉल निकाल रहे हो ये एक दूसरी टाइप की एक तो क्या वन ड्रॉन इज सिंपल फेवरेबल ऊपर और अनफेवरेबल और फेवरेबल टोटल नीचे बस ये सिंपल है एम अपॉन एन प्लस एन अब आता है मोर देन वन ड्रॉन मोर देन वन ड्रॉन में क्या होगा बच्चों जी बच्चों अब मोर देन वन ड्रॉन में एक चीज ध्यान रखनी है नो रिप्लेसमेंट नो सीक्वेंसिंग इफ मोर देन वन ड्रॉन है एंड नो रिप्लेसमेंट है नो सीक्वेंसिंग है देन कॉम्बिनेशन फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड
नो सिक्वेंसिंग नो देन कॉम्बिनेशन फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड. नो रिप्लेसमेंट नो सिक्वेंसिंग. ये कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या मैं अभी बता रहा हूं. मान लो उन्होंने बोला पैक ऑफ कार्ड टू कार्ड्स ड्रॉन. अब देखिए दो पत्ते हैं दो बोथ आर किंग. अब आप कहेंगे सर रिप्लेसमेंट तो क्लियर नहीं किया. इफ नथिंग इज गिवन बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं नो रिप्लेसमेंट. बोथ आर ये नहीं बोला फर्स्ट किंग एंड सेकंड किंग. नो उन्होंने बोला बोथ आर किंग. तो अब जरा ध्यान से देखिए 4C2/52C2 ये कॉम्बिनेशन फॉर्मूला. आप कहेंगे ये क्या है. हमने अभी भी लॉजिक अभी भी वही है फेवरेबल ऊपर टोटल नीचे. टोटल पत्ते कितने हैं 52 कितने निकालने हैं 2 52C2. 52 पत्तों में से 52 कार्ड्स में से दो निकालने हैं. यू गॉट टू टेक आउट टू और फेवरेबल वाले कितने हैं. कितने फेवरेबल हैं किंग. किंग कितने हैं टोटल 4. हाउ मेनी किंग्स 4. 4 किंग है तो 4C2/52C2 इसको हमें सॉल्व करना है. फोर सी टू और 52C2 को मुझे सॉल्व करना. देखो इधर 4C2 इज 4 × 3 2 × 1 ये मैं अभी सॉल्व करना सिखा रहा हूं. और छोटा हो जाएगा 6/1326 और छोटा हो जाएगा. थ्री अपॉन 663 थ्री अपॉन 663 ये प्रोबेबिलिटी आ गई. इसको सॉल्व कैसे करते मैं अभी सिखाने जा रहा हूं. अच्छा और छोटा हो सकता है. गुड. अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं. MCR factorial n factorial r factorial n minus n minus half. अभी मैं बोल रहा हूं 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 फैक्टोरियल है 4C2 तो मुझे लेना पड़ेगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 − 2. फैक्टोरियल 4 हो जाएगा 4 3 2 1 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा एंड फैक्टोरियल 2 × 1 हो जाएगा.
जी बच्चों देखिए अब इसके शॉर्टकट और हो जाए, अब जैसे 52C2 है, 52C2 है ये बच्चों फैक्टोरियल 52, काफी लंबा काम है, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 52-2। तो बच्चों आप प्लीज समझो फैक्टोरियल 50 और फैक्टोरियल 50 ऊपर भी है ना, 52 में तो और भी फैक्टोरियल में तो 50 भी है, तो 50 से 50 कट जाएगा, तो ऊपर बचेंगे 52 और 51। सर और भी बचेंगे ना 50, ये बचेंगे तो नीचे भी तो है फैक्टोरियल 50, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा 2 × 1। आप समझो ना बच्चों, इतना समझ आ रहा होगा सबको। जी तो ये जब हमने इसको सॉल्व, देखो ना बच्चों मैं एक बात बोल रहा हूं, फैक्टोरियल 52 इज वेरी लेंथी, नो प्रॉब्लम, यूज योर ब्रेन, फैक्टोरियल 2 इज इजी, फैक्टोरियल 52-2, तो मेरे बच्चों फैक्टोरियल 52 ऊपर है, फैक्टोरियल 2 नीचे है, और फैक्टोरियल 50 भी नीचे है, तो फैक्टोरियल 50 नीचे भी है, फैक्टोरियल 50 ऊपर भी है, तो कट गया ना, बचा क्या 52 51। नीचे 2 × 1, अब 52 × 51 1326, ये सॉल्व करने का तरीका। और एक चीज मैं इसमें और बताना चाहता हूं, वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू श्योर, वो क्या वो सुन लो, यदि NCR कुछ भी है तो NCN-R भी सेम है, 10C8 इक्वल टू 10C10-8 इक्वल टू 10C2, तो जो 10C8 का रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट 10C2 का भी आएगा, तो 10C2 जल्दी हो जाएगा ना, 10C8 क्यों लेके बैठना। अगर जो मैं ये बोल रहा हूं 5C1 है तो ये 5C4 भी यही है, 5C3 है तो 5C2 भी यही है, जी ये बच्चों मतलब कहने का ये हो गया NCR इक्वल टू NCN-R सेम रिजल्ट है, इसका मतलब 5C5 इक्वल टू 5C0 इक्वल टू 1। जी बच्चों देखिए तो कोई भी C0 इज 1। अब इसको अप्लाई करेंगे, देखिए एक और चीज बता रहा हूं मैं, फिर उसी पे आ रहा हूं, ध्यान से मेरे दो क्वेश्चन को देखना और सॉल्यूशन अलग अलग है। थ्री कार्ड्स ड्रॉन,
विदाउट रिप्लेसमेंट, फर्स्ट किंग, सेकेंड क्वीन, थर्ड नंबर नाइन, फर्स्ट किंग, सेकेंड क्वीन, थर्ड नंबर नाइन, और दूसरा सॉल्यूशन है वन किंग वन क्वीन वन वन नंबर नाइन। वन किंग वन क्वीन वन नंबर नाइन, उसमें सीक्वेंसिंग है, इसमें सीक्वेंसिंग नहीं है। जी, अब दोनों सॉल्यूशन में फर्क है। यदि सीक्वेंसिंग है मत लगाओ कॉम्बिनेशन, वन ड्रॉन को तीन बार करो। सर सीक्वेंसिंग है ना, फर्स्ट तीन पत्ते निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट, पहला किंग है, फिर क्वीन है, फिर नंबर नाइन है, ये पहला सॉल्यूशन। किंग 4/52, क्वीन 4/51, नंबर नाइन 4/50, ये आंसर आ जाएगा। जी, अब दूसरा सॉल्यूशन ध्यान से, वन किंग चार में से एक, ग्रेट, वन क्वीन चार में से एक, फाइन, वन नंबर नाइन चार में से एक, ओके, 52C3। अब जो भी रिजल्ट आए, तरीका यही है, तरीका यही है सर। फोर अपॉन 52, फोर अपॉन 51, फोर अपॉन 50। सर ये इसमें था फर्स्ट किंग, सेकंड क्वीन, थर्ड नंबर नाइन, जी, और 52C3 यहां पर, ये अब कॉम्बिनेशन लग गया। देखो कॉम्बिनेशन के लिए मैं बार बार एक लाइन बोल रहा हूं, प्लीज फिर से सुन लो, मोर देन वन ड्रॉन, ओके, पहली कंडीशन, नो सीक्वेंसिंग, नो रिप्लेसमेंट। यदि आप मोर देन वन ड्रॉन करते हो, सीक्वेंसिंग नहीं लगाते हो, रिप्लेसमेंट नहीं गिवन है, अब देखिए ना इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट दे रखा है, ओके, और इस वाले सेकंड पार्ट देखो, वन किंग वन क्वीन वन नंबर नाइन, वन किंग वन क्वीन वन नंबर नाइन, एक किंग एक क्वीन एक नंबर नाइन।
यही है। तो इसमें कहीं सीक्वेंसिंग है? नहीं है। एक किंग, चार में से एक किंग ऊपर फेवरेबल है, किंग क्वीन चार में से एक, और नंबर नाइन भी चार होते, हर पत्ता चार चार होता है, 4C1, और 52 में से तीन पत्ते निकाले, कॉम्बिनेशन लगा दो, सीक्वेंसिंग है नहीं। और यदि रिप्लेसमेंट या सीक्वेंसिंग होती तो नहीं लगता सर, तो फिर तो यही होता। फिर वन ड्रॉन की प्रॉब्लम लगाते और एंड की जगह मल्टीप्लाई लगाते, और ये हमने यहां किया। देखो क्वेश्चन में फर्क है, यहां वो बोल रहे हैं वन किंग एक किंग, वन क्वीन एक क्वीन, वन नंबर नाइन एक किंग एक क्वीन एक नंबर नाइन। तो जब एक किंग है एक क्वीन है एक नंबर नाइन है, इट मींस व्हाट? सीक्वेंसिंग है, और वो भी बोला वन पहले नंबर पे किंग, फिर क्वीन, फिर नंबर नाइन। अब बच्चों जो भी सॉल्व करके आए, ये आपको सॉल्व करना है। किसने सॉल्व किया तो बता दीजिए, somebody has solved, सोनाली, मौली, वैभव, चारू, 1/221 कौन से वाला है? अच्छा वो तो पिछले वाला था, इसको बताना है अगले वाला, टेल मी द नेक्स्ट वन। ये पहले वन का फिर टू का, फर्स्ट वाला कितना है चारू? फर्स्ट वाला ये फर्स्ट है 8/16575। अच्छा ये फर्स्ट है, ओके एट अपॉन 16575। सेकंड का 2 में सेम है। अरे मेरे बच्चे 2 में सेम है, आई एम आस्किंग, बोथ आर सेम। अच्छा ये सेकंड का 8/5525, 8/5525। वैभव मित्तल कुछ और बता रहा, 16/221 कैसे आ जाएगा? मौली यू आर टेलिंग 8/5525। लक्ष्मी कनौजिया 8/16575, वो तो ठीक हो गया ना। सेकंड वाले का कोई और वेरीफाई करो, चारू सेकंड वाला बताओ ना बेटे। सेम आ रहा है, समबडी सेइंग अलग आ रहा है। मौली यू चेक इट अगेन, वैभव मित्तल इज सेइंग सम अदर आंसर, वैभव यू आर चेंजिंग योर आंसर। सोनाली सिंह हैज गिवन मी 16/5525, आई डोंट नो इज करेक्ट यार, दिमाग का ही चूर्ण बना देते आप लोग, सो मैनी आंसर्स। ओहो एट अपॉन 16575 आयुष, लल्ली रहना तुम, पहले वाला रॉन्ग था। ओहो अभी भी वैभव मित्तल इज सेइंग समथिंग एल्स, आयुष इज समथिंग एल्स, ओ गॉड। 16/5525, 16/5525 ये आंसर है, ठीक है ओके डन। क्योंकि बच्चों ये इसको सॉल्व करने लगेंगे तो ये ऐसे है ना यार, सी 4 इंटू 4 इंटू 4
अपॉन 52 into 51 into 50 upon 3 into 2 into 1 एज इसको सॉल्व करना है. ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है. यस सर. ये बच्चों देख कब कब कॉम्बिनेशन लग रहा, आंसर अलग आ रहे हैं. ये अभी मैंने नोटिस किया, ऑल्दो आई न्यू कि आंसर अलग आते हैं, बट मुझे लगा वन ड्रॉन है, चार चार एक जैसा ना आ जाए. आई वॉज लिटिल बिट डाउटफुल. ओके एक लाइन और लिखो. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट रिप्लेसमेंट, अज्यूम दैट देयर इज नो रिप्लेसमेंट. एंड बच्चों सिक्वेंसिंग में आई वुड रिक्वेस्ट कि बहुत ध्यान से पढ़ना है, सिक्वेंसिंग में बहुत ध्यान से पढ़ना है. सिक्वेंसिंग में बच्चों वो क्या करते हैं कि वो जैसे इस क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट किंग, सेकंड क्वीन, थर्ड नंबर नाइन, फर्स्ट सेकंड, दिस इज डिफरेंट. दिस इज डिफरेंट. ये है वन किंग वन क्वीन वन नंबर नाइन. One king, one queen, one number nine. ये अलग है. First king, second queen, third number nine. ये अलग है. King, queen, number nine. ये अलग है. One king, one queen, one number nine. ये अलग है. दोनों में difference है. First, second, third. It is called sequencing. One this, one this, one this. It is not called sequencing. It is not sequencing. Okay, now अब आप देखो, there is one more. There are three red, two green balls in a bag. There are three red, two green balls in a bag. Two balls are drawn. दो बॉल निकाली. Find the probability that both tally first. Both red, second. Both green, green. Third, one red, one green. Yeah. Total balls कितनी हैं? Total balls हैं बच्चों. Five. Total balls are five. Two balls drawn. Two balls drawn. Both red. Probability of both red. 3c2 upon 5c2. 3 upon 10. जी ग्रेट चारू. 3/10 आ गया. ओके
फिर अगला बोथ ग्रीन टू सी टू अपॉन फाइव सी टू, फाइव सी टू इज टेन, टू सी टू इज वन, एनी सी टू इज वन, एनी नंबर सेम, एन एन आर बोथ आर सेम, आंसर इज वन. वन रेड एंड वन ग्रीन, वन रेड एंड वन ग्रीन, नो दे हैवंट सेड फर्स्ट रेड एंड सेकेंड ग्रीन, ओके. थ्री सी वन, टू सी वन, फाइव सी टू, थ्री टू जस्ट सिक्स बाय टेन, थ्री बाय फाइव, ग्रेट जी जी बिल्कुल ठीक. नेक्स्ट there are two bags, first bag contain three red, three green, yeah two green, second bag four red, three green, isme saat balls hain aur usme panch hai, ye balls hain. One ball is drawn from first bag, put in second bag, now two balls drawn from second bag, find the probability that both the balls from second bag are red. वो बोल रहे हैं बच्चों टू बैग्स, पहले बैग में तीन रेड और दो ग्रीन है, दूसरे बैग में चार रेड और तीन ग्रीन है, एक बॉल पहले बैग से निकाली और दूसरे में रख दी, अब दूसरे बैग से दो बॉल निकाली और बताओ कि जो दूसरे बैग से दो बॉल निकाली दोनों रेड है. अब बच्चों सवाल यह आता, जो पहले बॉल बैग से बॉल निकाली वो कौन सी थी, ये बताया नहीं उन्होंने, तो एक बार ये लेना पड़ेगा वो रेड थी, तो उसमें रेड बढ़ जाएंगी, चार के पांच हो जाएंगी, और फिर ये हो सकता है कि पहले से जो इधर बॉल आई वो ग्रीन है और इधर रेड चार ही रही, इस तरीके से हमें करना पड़ेगा. फर्स्ट बॉल फ्रॉम बैग वन इज रेड एंड फ्रॉम सेकेंड बैग बोथ रेड,
और फर्स्ट बॉल फ्रॉम बैट वन इज ग्रीन एंड बोथ फ्रॉम सेकेंड बैट आर रेड. ये और लगा बीच में. जी अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट बॉल फ्रॉम बैग वन इज रेड. बैग वन में रेड बॉल है 3/5 टोटल 5 है 3/5 एंड इधर से अब इधर कितनी बॉल थी दूसरे बैग में. ना 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 कुछ गलती होगी. 3/5 तीन रेड 2 ग्रीन और इधर 7 थी और रेड इधर से इधर आई तो 5 रेड हो गई या 8 हो जाएंगे तो उधर हो जाएगा 5C2 एंड 8C2 या ये पहली पॉसिबिलिटी थी. उधर से इधर एक ग्रीन आई पहले बॉल से ग्रीन निकली पहले बॉल से ग्रीन पहले बैग से ग्रीन निकली तो पहले से ग्रीन निकली तो 2/5 और इधर रेड निकली 4C2 8C2 एंड 4C2 क्योंकि रेड तो बड़ी नहीं ना और 8C2 बस बच्चों ये आंसर आ जाएगा. हियर इज द आंसर. सॉल्व कर देते हैं. 3/5 × 10 8C2 8 × 7 / 28 + 2/5 × 4 4 × 3 / 6 8C2 30 × 28 × 5 140 + 12 / 140 42 / 140 और छोटा कर देते हैं 21/70 और छोटा हो जाएगा 7/10 आ रहा है 7/10 नहीं लगा मेरे से गलती होती है 30 × 28 × 5 / 42 / 140 क्या क्या आंसर आ रहे सबके अलग अलग. अच्छा मैं देखता हूं दोबारा से कहां गलती हुई. कहां गलती हुई. ट्वेंटी वन बाय 73/10 होगा ना. चेक कर रहा हूं गलती कहां हुई. फाइनली आंसर क्या छोड़ो यार तुम ही लोग बता दो. 3/5 5C2 10 8C2 is 28
फाइनल आंसर क्या 3/10 है? अच्छा चलो ओके ओके ओके, यही आंसर है आप? हाँ ठीक है ठीक है, ये आंसर आ गया बच्चों। ओके फाइन, तो ये बच्चों इस तरीके से आज रोकते हैं। अब मंडे को क्लास लूंगा मैं।